तो यार वेलकम बैक टू रिजल्ट रिपोर्टर, मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलिमिनेशन चैम्बर के रिजल्ट्स के बारे में। तो यार फाइनली जिस पेपर व्यू का सभी को इंतजार था वो खत्म हो चुका है। काफी कुछ हमें देखने को मिला इस इलिमिनेशन चैम्बर में, चाहे हम बात कर लें फर्स्ट एवर वुमेन्स इलिमिनेशन चैम्बर मैच का या फिर हम बात कर लें फर्स्ट एवर सेवन मैन इलिमिनेशन चैम्बर मैच का। इतना ही नहीं, हमें यहाँ पे रोंडा रोसे का धमाकेदार कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिला। यार अगर आपने किसी रीजन से इलिमिनेशन चैम्बर मैच मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किकऑफ शो के बारे में, जहां गैलोज और एंडरसन का सामना हुआ द मिस्टोरास से और यहां पे जीत द गुड ब्रदर्स की हुई। अब आ जाते हैं मेन शो में। तो इलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू की शुरुआत हुई फर्स्ट एवर वुमेन्स इलिमिनेशन चैम्बर मैच से, जिसको स्टार्ट किया सोनिया डेविल और बेले ने। थर्ड नंबर पे यहाँ पे एंट्री होती है मैंडी रोज की और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे एंट्री होती है साशा बैंक्स की। और साशा बैंक्स ने यहाँ पे आके मैंडी रोज को एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे एंट्री हुई मिकी जेम्स की। मिकी जेम्स ने यहाँ पे आके एलिमिनेट कर दिया सोनिया डेविल को, बट उसके कुछ ही देर बाद बेले ने मिकी जेम्स को भी एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद लास्ट में एंट्री हुई चैंपियन एलेक्सा ब्लिस की। और यहाँ पे देखा गया कि बेले और साशा बैंक्स आपस में ही भिड़ गई और इसी का फायदा उठाते हुए एलेक्सा ब्लिस ने पहले बेले को एलिमिनेट किया, उसके बाद एलिमिनेट किया साशा बैंक्स को। और इसी के साथ वो फर्स्ट ओवर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर में जीत गई और उन्होंने अपना टाइटल भी बचा लिया। उसके बाद मैच हुआ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टाइटस वर्ल्ड वाइड वर्सेस सेमस और सीजारो के बीच। ठीक ठाक मैच रहा दोनों के बीच, पर यहाँ पे जीत हुई सेमस और सीजारो की। उसके बाद आस्का का मैच हुआ नाया जैक्स से। अगर यहाँ पे नाया जैक्स जीत जाती तो वो ऐड हो जाती रेसलमेनिया में होने वाले वुमेन्स टाइटल मैच में। क्राउड ने दोनों को जम के सपोर्ट किया, पर जीत यहाँ पे आस्का की हुई। बट हारने के बाद नाया जैक्स ने उन पे बुरी तरह से अटैक करके सभी को शॉक कर दिया। इसके बाद मैच होता है वोकेन मेट हार्डी और ब्रे वाइट का। काफी अच्छा मैच दिया दोनों ने और जीत यहाँ पे वोकेन मेट हार्डी की हुई। उसके बाद वो टाइम आया जहाँ रोंडा रोजे की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली थी। कर्ट एंगल, ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन रिंग में आए और उन्होंने रोंडा रोजे को इंट्रोड्यूस किया। फिर यहाँ पे रोंडा रोजे आई और वो काफी इमोशनल भी दिखाई थी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही थी तब उन्होंने देखा कि कर्ट एंगल कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन ट्रिपल एच उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये देखकर रोंडा ने उनसे पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं और यहाँ पे कर्ट एंगल ने स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच की पोल खोल दी। उन्होंने यहाँ पे रोंडा को बता दिया कि ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन रोंडा रोजे से रेसलमेनिया 31 का बदला लेना चाहते हैं, जहां पे रोंडा ने इन दोनों की धुलाई की थी। इसके बाद क्या होना था, रोंडा रोजे को गुस्सा आ गया और उन्होंने ट्रिपल एच को ही उठा के टेबल पे पटक दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन आई और उन्होंने रोंडा को थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद वो डर के रिंग से बाहर चली गई और फाइनली रोंडा रोजे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब ये बात तो लगभग तय है कि रेसलमेनिया में हमें ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन वर्सेस कर्ट एंगल और रोंडा रोजे का मैच देखने को मिलेगा। खैर इसके बाद आया आज का मेन इवेंट, जो कि था फर्स्ट एवर सेवन मैन इलिमिनेशन चैम्बर मैच, जिसकी शुरुआत की द मिस, फिन बैलर और सेथ रॉलिंस ने। नंबर फोर पे एंट्री हुई जॉन सीना की। उसके बाद नंबर फाइव पे एंट्री हुई रोमन रेंस की। अभी तक कोई भी इलिमिनेट नहीं हुआ था और यहाँ पे नंबर सिक्स पे एंट्री हो गई ब्रॉन स्ट्रोमैन की और उन्होंने आके फाइनली किसी को इलिमिनेट किया, जो कि थे द मिज। उसके बाद लास्ट में एंट्री हुई एलायस की। इसके बाद ब्रॉन ने उन्हें भी इलिमिनेट कर दिया। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जॉन सीना को, उसके बाद फिन बैलर को और उसके बाद सेथ रॉलिंस को भी इलिमिनेट किया। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सभी को यहाँ पे इलिमिनेट कर लिया था एक्सेप्ट रोमन रेंस के। फिर हमें रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच फाइट देखने को मिली। इसके बाद लास्ट में दो स्पीयर लगा के रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को इलिमिनेट कर दिया और वो ये मैच जीत गए। बट इसके बाद भी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस पे अटैक किया, पर अब ये ऑफिशियल हो गया है कि रेसलमेनिया 34 में हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी इलिमिनेशन चैम्बर मैच की रिजल्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही न्यूज और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।